मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 10 to ITI। क्या आप MP ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि टर्नर फिटर मशीनिस्ट का सिलेबस 80% तक लगभग एक ही होता है, अतः यह वीडियो टर्नर फिटर मशीनिस्ट TET के लिए अति आवश्यक है। आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 का फिटर मशीनिस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आज इस पेपर का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उपकरण के फीस और कटाई उपकरण के आधार के समांतर तल के द्वारा निर्मित कोण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रैक कोण, ऑप्शन बी क्लियरेंस कोण, ऑप्शन सी कटाई कोण, ऑप्शन डी लीप कोण। इसका आंसर है रैक कोण। उपकरण के फेस और कटाई उपकरण के आधार के बीच जो कोण बनता है उसे रैक एंगल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुरक्षा चिन्ह है सेफ्टी सिग्नेचर आर। ऑप्शन ए प्राथमिक उपचार बिंदु, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी इंडिकेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट दुर्घटना से बचने के संकेत, ऑप्शन डी सावधानी। इसका आंसर है ऑप्शन सी दुर्घटना से बचने के संकेत। जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वह दुर्घटना से बचने के संकेत देते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रवेदनी के प्रकार को उच्च कटाई गति के साथ कठोर पदार्थ को छिद्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन बी HSS, ऑप्शन सी कार्बाइड टिप ड्रिल, कार्बाइड अंगरेज ड्रिल, ऑप्शन डी HCS। इसका आंसर है कार्बाइड ड्रिल, कार्बाइड टिप ड्रिल इसका सही आंसर, ऑप्शन सी सही है। यदि हमें उच्च गति पर कटाई करनी है या ड्रिलिंग करनी है और पदार्थ कठोर है तो हम कार्बन ड्रिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान के पश्चात धातु पृथक्करण के लिए वेब श्रेणी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए श्रृंखला प्रवेदन, ऑप्शन बी धातु छिलन या चिपिंग मेटल, ऑप्शन सी फिनिश कटिंग एंड फिनिश कटाई, ऑप्शन डी दोनों अबव में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रृंखला प्रवेदन है चेन ड्रिलिंग। जब हम वेब श्रेणी का प्रयोग करते हैं उसके पहले चेन ड्रिलिंग करनी पड़ती है ताकि अतिरिक्त मेटल को हटाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, जी कोड को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रिपरेटरी फंक्शन, ऑप्शन बी मिसलेनियस फंक्शन कोड, ऑप्शन सी डेटा फंक्शन कोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रिपरेटरी फंक्शन। यदि हमसे एम कोड के बारे में पूछा जाता तो उसे मिसलेनियस फंक्शन कोड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन कार्बाइड घर्षक प्रमुख रूप से किसे पीसने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सेरामिक, ऑप्शन बी सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन सी कास्ट आयरन एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिलिकॉन कार्बाइड यदि घर्षक है उससे हम सेरामिक को, सीमेंटेड कार्बाइड को और एल्युमिनियम को घिस सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको 2 मीटर लंबे समतल पृष्ठ के वर्क पीस पर मशीन प्रयोग करनी है, इसके लिए आप कौन सी मशीन का चयन करेंगे? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लानिंग मशीन, ऑप्शन बी स्लॉटिंग मशीन, ऑप्शन सी मिलिंग मशीन, ऑप्शन डी शेपिंग मशीन। यदि हमें 2 मीटर का जॉब करना है तो ऑप्शन ए प्लानिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जबकि स्लॉटिंग मशीन जो होती है इससे स्लॉट काटे जाते हैं, मिलिंग मशीन द्वारा मिलिंग की सक्रिया की जाती है और शेपिंग से शेप किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेक के दांत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए सार्वभौम वर्नियर कैलिपर यानी यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी गियर टूथ वर्नियर कैलिपर या गियर दांत वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी फ्लेंच माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी गियर टेस्टर या गियर परीक्षक। इसका आंसर है गियर दांत का वर्नियर कैलिपर यानी कि गियरटूथ वर्नियर कैलिपर द्वारा रेक के दांत की मोटाई और चेक की जाती है। अगला प्रश्न है, बेलनाकार पिसाई में पृष्ठ कटाई गति खालिस्तान विचरण करती है। सिलेंडर का ग्राइंडिंग करते समय वेटिंग स्पीड कितनी होती है यह इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए
10 से 20 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 5 से 10 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 20 से 30 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी 40 से 60 मीटर प्रति मिनट। इसका आंसर है 20 से 30 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यदि हम ग्राइंडिंग करते हैं तो हम उसकी स्पीड को रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्लच पॉजिटिव ड्राइव देता है? ऑप्शन ए डॉग क्लच, ऑप्शन बी कोन क्लच एंड शंकु क्लच, ऑप्शन सी सिंगल क्लच, ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड अकेंद्री क्लच। इसका आंसर है ऑप्शन ए पॉजिटिव क्लच या पॉजिटिव जो ड्राइव होता है वो हमें डॉग क्लच देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम आकर्षक है? ऑप्शन ए एमरी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कोरंडम, ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। आकर्षक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल। नेचुरल जो होते नेचुरल और प्रकृति दोनों अलग अलग होते हैं। जो इसमें हमसे कृत्रिम आकर्षक के बारे में पूछा है, इसका आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। यदि वह प्राकृतिक आकर्षक पूछता तो एमरी हीरा कोरंडम ये प्राकृतिक आकर्षक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पट्टिका खालिस्तान से बनी होती है, सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? इसमें यह पूछा गया है, ऑप्शन ए मृदुस्पात, ऑप्शन बी गुणवत्ता कच्चा लोहा यानी क्वालिटी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी रबर मटेरियल यानी रबर पदार्थ, ऑप्शन डी स्टील या इस्पात। इसका आंसर है क्वालिटी कास्ट आयरन, ऑप्शन बी इसका सही है। सरफेस प्लेट गुणवत्ता कच्चा लोहे की बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकरण का जीवन काल खालिस्तान से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए साइज ऑफ टूल, टूल के माप से, उपकरण के माप से, साइज ऑफ जॉब, जॉब के माप से, ऑप्शन सी टाइप ऑफ मशीन या मशीन के प्रकार से, ऑप्शन डी कटिंग स्पीड से। इसका आंसर है ऑप्शन डी कटिंग की गति यानी कटिंग स्पीड। उपकरण का जो जीवन काल होता है उसको डायरेक्टली रूप से कटिंग स्पीड ही प्रभावित करती है। टूल लाइफ को अफेक्ट कौन सा चीज डालती है, इसमें पूछा गया था, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धातु के तन्य सामर्थ्य वह गुण है जो भंजन का प्रतिरोध करता है जब ये तन्य भार के अधीन हो? यानी किसी वस्तु को लटकाया गया है उसकी तनन सामर्थ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति एमएम क्यूब, ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति एमएम स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तनन सामर्थ्य धातु की तनन सामर्थ्य जो होती है वह किलोग्राम प्रति एमएम स्क्वायर में मापी जाती है या व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान के मशीनन के दौरान खंडयुक्त चिप निर्मित होती है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील यानी मृदुस्पात, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। इसका आंसर है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। इसमें पूछा गया है कि सेगमेंटल चिप कौन सी मशीनिंग जॉब के या टूल के द्वारा होती है, मतलब किस पदार्थ पर हम मशीनिंग क्रिया करें तो खड़ी चिप मिलेगी यानी सेगमेंटल चिप मिलेगी। इसका आंसर है कास्ट आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 mm के रेक टूथ की मोटाई खालिस्तान होगी? ऑप्शन ए 4.50 mm, ऑप्शन बी 4 mm, ऑप्शन सी 4.25 mm, ऑप्शन डी 3.14 mm। इसका आंसर है ऑप्शन डी 3.14 mm। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से आप 2 mm की रेक की टूट की मोटाई अब ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लानिंग मशीन का उपकरण स्तंभ खालिस्तान पर इस स्थापित होता है या प्लानिंग मशीन पर जो टूल पोस्ट होता है
इस पर माउंट होता है, इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए एप्रन, ऑप्शन बी क्रॉस रेल, ऑप्शन सी क्लैपर बॉक्स, ऑप्शन डी सेडल। इस प्लानिंग मशीन में जो उपकरण सम होता है वो किस पर स्थापित होता है, इसमें पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लैपर बॉक्स। प्लानिंग मशीन का जो उपकरण सम है यानी टूल पोस्ट है वो क्लैपर बॉक्स में माउंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2D नियंत्रण खालिस्तान एक साथ फीड किया जा सकता है, यानी 2D मशीन है हमारे पास, उसमें किस प्रकार के नियंत्रण को फीड किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है दो, ऑप्शन ए है 2 में से 3 अक्षों में, ऑप्शन बी है 3 में से 2 अक्षों में, ऑप्शन सी है 4 में से 3 अक्षों में, ऑप्शन डी है 3 में से 4 अक्षों में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 में से 2 अक्षों में। ये 2D मशीन जो होती है, 2D नियंत्रण जो मशीन होती है, 2D कंट्रोल जिन CNC मशीनों में 2D कंट्रोल होता है, उसमें 3 अक्ष में से 2 अक्ष में जॉब को हम चला सकते हैं, जबकि जो 3D मशीन होती है उसमें 4 में से 3 अक्ष को हम एक साथ फीड कर सकते हैं। एक्सप्रेशन करते हैं, प्लेट केम प्लेक एवं मिल स्पेंडल की धुरी सदैव खालिस्तान रहती है। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो प्लेट केम ब्लैंक एंड मिल स्पेंडल जो होता है वो किस दूरी पर होते हैं। ऑप्शन है एक दूसरे पर झुकी हुई, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट, एक ऊर्ध्वाधर और झुके हुए। इसका आंसर है ऑप्शन बी एक दूसरे के समांतर। जो प्लेट केम ब्लैंक होता है और जो एंड मिल का स्पेंडल होता है वे एक दूसरे के समांतर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि छिद्र का व्यास विचारणीय परिवर्तन के अधीन है तब जिग और फिक्स्चर की स्थापना के लिए खालिस्तान लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि अगर व्यास को मेन मानकर हम जिग और फिक्स्चर का प्रयोग करें तो किस प्रकार के लोकेटर का प्रयोग करेंगे, इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है बेलनाकार लोकेटर यानी सिलेंडर लोकेटर, ऑप्शन बी है कॉनिकल लोकेटर, ऑप्शन सी है वी लोकेटर, ऑप्शन डी है डायमंड पिन लोकेटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉनिकल यानी शंकु लोकेटर। जब हम व्यास को विचार में रखेंगे तो हम शंकु लोकेटर का प्रयोग कर सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवेदनी में काट की गहराई प्रवेदनी के व्यास के खालिस्तान होती है। द डेप्थ ऑफ कट इन ड्रिलिंग इज ब्लैंक द ड्रिल डायमीटर। ड्रिल डायमीटर के वो कितनी होती है, डेप्थ ऑफ कट के बारे में, ड्रिल के डेप्थ ऑफ कट के बारे में इसमें पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपन, ऑप्शन ए इक्वल टू यानी समान होती है, ऑप्शन बी है 1/4 यानी 1/4 होती है, ऑप्शन सी डबल होगी यानी दुगनी होगी, ऑप्शन डी 1/2 यानी आधी। जो ड्रिल और इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी आधी। जो डेप्थ ऑफ कट होता है ड्रिलिंग में वह आधा होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभेदन को पूरा करने के लिए आदर्श मशीन छूट क्या होगी, यानी हमें किसी जॉब को फिनिश करना है तो उसके लिए बोरिंग अनाउंस कितना रखेंगे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 mm से 2 mm, ऑप्शन बी 0.5 mm से 1 mm, ऑप्शन सी 0.25 से 0.5 mm, ऑप्शन डी 0.1 mm से 0.25 mm। इसका आंसर है ऑप्शन डी 0.1 से 0.25 mm तक हम बोरिंग के लिए अलाउंस या आदर्श अलाउंस रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टेपर रिंगेज का प्रयोग खालिस्तान की जांच के लिए किया जाता है। अ टेपर रिंगेज इज यूज फॉर चेकिंग। ऑप्शन ए इंटरनल टेपर, ऑप्शन बी बाहर टेपर, ऑप्शन सी प्लेन डायमीटर, ऑप्शन डी एक्सटर्नल डायमीटर या बाहर चूड़ी, एक्सटर्नल थ्रेड या बाहर चूड़ी। इसका आंसर है एक्सटर्नल टेपर यानी बाहरी चूड़ी। टेपर रिंगेज द्वारा हम बाहर टेपर को चेक कर सकते हैं। यदि हम प्लग गेज की बात करें तो आर्टिक टेपर को चेक कर सकता है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंद्र रहित पिसाई में अक्षभरण को निम्न में से कौन सा पैमाना प्रभावित करता है? ऑप्शन ए नियंत्रण पहिए की गति, ऑप्शन बी नियंत्रण पहिए का व्यास, ऑप्शन सी पिसाई अक्ष और नियंत्रण पहिए के बीच कोण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यदि हम सेंट्रल लेस ग्राइंडिंग की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि हम नियंत्रक पहिए और नियंत्रक पहिए का व्यास, उसकी गति और दोनों के अक्ष और कोण, इन सब पर विचार करेंगे तो यह पैमाना हमें फीड रेट पर प्रभाव डालता दिखाई देता है। इसने मिलिंग में भरण गति की इकाई के लिए कौन सा पद सही है? Which the correct impression of unit of feed rate in milling? Milling की feed rate की रेट इसमें पूछी गई है। ऑप्शन ए है मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है मीटर mm प्रति रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी है mm प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है mm प्रति मिनट। इसका आंसर है मिलीमीटर प्रति मिनट, जो मिलिंग की ऑप्शन डी इसमें सही है। यदि वह लेथ मशीन की पूछता तो वहाँ पर फीड रेट जो आती वो एम प्रति रेवोल्यूशन में आती। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन बार के बगल में दिए गए चित्र का प्रयोजन क्या होता है? यानी कि जो साइन बार होता है उसमें जो छेद होते हैं उनका प्रयोजन इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है विरूपण को रोकना, क्या ये विरूपण को रोक सकता है? ऑप्शन बी कोण प्लेट पर स्थानांतरण करना, यानी कोण प्लेट को फिक्स करने के लिए, एंगल प्लेट जो होती है उसको फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है हैंडली इजीली आसानी से प्रयोग में ला सकने के लिए, ऑप्शन डी है सतह के संपर्क को न्यूनतम करना। ऑप्शन डी है कि सतह के संपर्क को न्यूनतम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी आसानी से प्रयोग में लाने के लिए, यानी कि जॉब के साथ इसको क्लैंप करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके दो ऑप्शन निकलते हैं, एक ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। कंडीशन इस हिसाब से है कि यदि ऑप्शन बी सही मानेंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उपकरण के चिप ब्रेकर का काम खालिस्तान है? चिप ब्रेकर का इसमें फंक्शन पूछा है। ऑप्शन ए है चिप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ऑप्शन बी है लंबी काट में लगातार चिप प्राप्त करना, ऑप्शन सी है संतुलित चिप्स प्राप्त करना, ऑप्शन डी है छोटे काट से लगातार चिप्स बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन ए चिप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सही है। चिप ब्रेकर जो होता है वो चिप को ब्रेक करने के या तोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नियर ऊंचाई गेज का अल्पतमांक है, वन हेड गेज का इसमें लीस्ट काउंट पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.02 mm, ऑप्शन सी 0.1 mm, ऑप्शन डी 0.2 mm। इसका आंसर है ऑप्शन बी 0.02 mm। वर्नियर हाइट गेज हो, वर्नियर कैलिपर हो, इनका जो माप या अल्पतमान जो होता है वह 0.02 mm ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केम का प्राथमिक कार्य खालिस्तान परिवर्तित करना है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ केम इज कन्वर्ट, जो केम होता है उसका क्या काम होता है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है रेसिप्रोटिंग मोशन को रोटरी मोशन में, यानी प्रत्यागामी गति को घूर्णी गति या घूर्णी गति को प्रत्यागामी गति में, ऑप्शन सी है ऊपरी निचली गति को रेखीय गति में, ऑप्शन डी है रेखीय गति को घूर्णी गति में। इसका आंसर है ऑप्शन बी घूर्णी गति को प्रत्यागामी गति में केम का प्रमुख कार्य होता है, यह रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने का प्रमुख कार्य करता है, यही इसका प्राथमिक कार्य भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेथ के सेडल पर नियमित संचालन स्तर है, इस नियमित संचालन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए कटाई बल के कारण लंबे शाफ्ट को मुड़ने से रोकना, ऑप्शन बी लंबा मुड़ने के दौरान लेथ केंद्रों पर भार को रोकना, ऑप्शन सी मुड़ने के दौरान कटाई उपकरण पर भार को कम करना, ऑप्शन डी बताई गई कटाई गति से उच्च कटाई गति पर
मुड़ने की सक्षम बनाना। इसका इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है कि ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट का क्या फंक्शन होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कटाई बल के कारण लंबे शाफ्ट को मोड़ने से रोकना, यही ट्रैवलिंग मशीन का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिलिंग मशीन में एक छिद्र को मशीन करने के लिए खुरदरे और चिकने वेधन प्रचालन किए जाते हैं। खुरदरे प्रचालन के लिए चयन कीजिए। मिलिंग मशीन से हमने कोई एक वर्क पीस को टर्न किया, यानी कि वर्क पीस पर हमने काम किया, उसकी जो रफनेस या फिनिशनेस के बीच जो रफनेस आएगी वो किस कारण से आ सकती है, इसका यह से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है उच्च धुरी गति और स्थूल भरण, यानी कि हाई स्पेंडल स्पीड एंड कोर स्पीड। ऑप्शन बी है स्लो स्पेंडल स्पीड एंड कोर स्पीड। ऑप्शन सी है स्लो स्पीड स्पेंडल स्पीड एंड फाइन स्पीड। ऑप्शन डी है हाई स्पेंडल स्पीड एंड फाइन स्पीड। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्लो स्पेंडल स्पीड और कोर स्पीड। यदि हम स्पेंडल की स्पीड को धीमा रखेंगे और स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो खुरदरा सतह प्राप्त होती है, हमें खुरदरी सतह हमें मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण गाइडवेज खालिस्तान होते हैं। इसमें गाइडवेज के बारे में, जो घर्षण गाइडवेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है वी प्रकार के, ऑप्शन सी है फ्लैट प्रकार के, ऑप्शन बी है डबलेट प्रकार के, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो घर्षण गाइडवेज होते हैं वो वी, डबलेट और फ्लैट तीनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कटिंग उपकरणों की गति के कारण पृष्ठ पर निर्मित स्वरूप खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए तरंग मयता यानी वेबिनेस, ऑप्शन बी रफनेस यानी खुरदरापन, ऑप्शन सी सरफेस टेक्सचर यानी पृष्ठ बनावट, ऑप्शन डी ले। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि हम टूल को चलाएंगे और जो पर जो निशान बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी सरफेस टेक्सचर यानी पृष्ठ बनावट। यदि हम टूल को चलाएंगे और जो निशान प्राप्त हो गए वो ही हमारे सरफेस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायता की द्विपार्थिक प्रणाली में खालिस्तान की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन ए वास्तविक आकार के एक तरफ, ऑप्शन बी सांकेतिक आकार के एक तरफ, ऑप्शन सी सांकेतिक आकार के दोनों तरफ, ऑप्शन डी सांकेतिक वास्तविक आकार के दोनों ओर। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ना चाहिए। इन अ बायलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउ ऑन, इसमें बायलेटरल टॉलरेंस के बारे में पूछा गया है। ये जो टॉलरेंस होता है दो पक्ष का टॉलरेंस होता है, यानी कि दोनों तरफ दिया जाता है, या नॉमिनल साइज के दोनों तरफ दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है, फॉर साइज ऑफ द नॉमिनल साइज सांकेतिक आकार के दोनों तरफ बायलेटरल टॉलरेंस दिया जाता है। जब इसकी हम यूनिलैटरल टॉलरेंस की बात करें तो वह नॉमिनल साइज के किसी एक तरफ दिया जाता है, यानी कि सांकेतिक आकार के एक तरफ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म मापियों कैलिपरों डायल संकेतकों की परिशुद्धता की जांच खालिस्तान के द्वारा की जाती है। यदि हमें सूक्ष्म मापियों कैलिपरों डायल संकेतकों को चेक करना है तो उसको हम किस उपकरण द्वारा चेक करेंगे। ऑप्शन ए स्लिप गेज, ऑप्शन बी है फिलर गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज, ऑप्शन डी है प्लग गेज। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए स्लिप गेज। फिलर गेज के द्वारा किसी जॉब के गैप को चेक करते हैं, रिंग गेज के द्वारा हम किसी जॉब के बाहर साइज को चेक करते हैं, प्लग गेज द्वारा आंतरिक साइज चेक किया जाता है। इसका जो आंसर था वो स्लिप गेज था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट टेपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार टेपरों में से एक है, यानी कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोस्ट टेपर को स्वीकार किया है। मोस्ट टेपर खालिस्तान संख्या में उपलब्ध है। ऑप्शन ए है 0 से 6, ऑप्शन बी है 0 से 8, ऑप्शन सी है 0 से 7, ऑप्शन डी है 0 से 1 से 8। इसका आंसर है ऑप्शन ए 0 से 6, ये 8 साइज में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च तनन सामर्थ्य का इस्पात वर्कपीस एचएसएस की मिलिंग कटर के साथ मशीनित होने के लिए है, ये करना है।
कटर के लिए निम्न से कौन सा ढाल कोण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी कि अपने क्वेश्चन पूछा है कि हाई टेंशन स्ट्रेंथ की कटिंग करनी है मिलिंग कटर से, उसके लिए ढाल एंगल यानी रेक एंगल पूछा है। इसका इसका ऑप्शन है 8 डिग्री, ऑप्शन बी है 12 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 डिग्री, ऑप्शन डी है 28 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए 8 डिग्री। यदि हमें सर्वाधिक जो ढाल कोण की अगर इसमें बात पूछें तो 8 डिग्री रखेंगे, जबकि रेक एंगल अगर लो टेंशन मटेरियल का पूछता तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी 12 डिग्री या 15 डिग्री रख सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पिरिट लेवल की सुग्राहिता खालिस्तान पर निर्भर होती है, यानी कि जो स्पिरिट लेवल होता है उसकी सेंसिटिविटीनेस जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इसमें पूछा गया है, मतलब उसकी शुद्धता के बारे में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए है बुलबुलर के माप यानी साइज ऑफ बबल, ऑप्शन बी है लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब, ऑप्शन सी है टाइप ऑफ लिक्विड ऑफ ग्लास ट्यूब, ऑप्शन डी है कवरेज ऑफ ग्लास ट्यूब यानी कांच की नली की वक्रता। इसका आंसर है ऑप्शन डी कांच की नली की वक्रता, यानी कि कांच की जो कर्वनेस पर होगी, कांच की जो नली होगी उसकी जो वक्रता होगी कर्वनेस, उस पर स्पिरिट लेवल की सुग्राहिता निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंग मशीन पर समान विभाजन की कोई भी संख्या खालिस्तान द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन ए है कंपाउंड इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी है सिंपल इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, ऑप्शन डी है डायरेक्ट इंडेक्सिंग। इसका आंसर है सिंपल इंडेक्सिंग यानी सरल अनुक्रमण। मिलिंग मशीन में समान विभाजन अगर बात करें, यदि हम इक्वल डिवीजन की बात करें तो ऑप्शन बी सही है, यदि वो हमसे अनइक्वल की बात करता तो हम मिश्रित अनुक्रमण यानी कंपाउंड या डिफरेंशियल की तरफ जा सकते थे। इसका आंसर है सिंपल इंडेक्सिंग। टूल मेकर बटन खालिस्तान के बने होते हैं, टूल मेकर बटन के जो जिस मटेरियल के बना होता है उसमें इसमें पूछा गया है, ऑप्शन है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन ढलवा लोहा, ऑप्शन डी है हार्डेंड स्टील है कठोर इस्पात। इसका आंसर है ऑप्शन डी कठोर इस्पात। टूल मेकर बटन जो होते हैं वो कठोर स्टील यानी कठोर इस्पात के हार्डेंड स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्पाद में गुणवत्ता तब मानी जाती है तब, ऑप्शन ए उसका आकार और विमाय सीमा में हो, ऑप्शन बी वह बहुत अच्छा प्रतीत होता हो, ऑप्शन सी वह उपयोग में उपयुक्त हो यानी कि उसका प्रयोग किया जा सकता हो, ऑप्शन डी पदार्थ की पसंद सही हो। इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयोग के लिए वह उपयुक्त हो, यानी कि हम कोई भी पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं उसकी गुणवत्ता तभी मानी जाएगी जब वो इसका हम सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तभी वह सूटेबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल बिंदु उपकरण का लीप कोण आमतौर पर खालिस्तान होता है, ऑप्शन ए 20 डिग्री से 40 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री से 80 डिग्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी सही है। लीप एंगल का जो एंगल होता है वह अलग अलग तरीकों में अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लेम को प्रयोग में लाने का प्रयोजन है, यानी हम जो क्लेम जो यूज़ करते हैं वो उसका क्या काम है जॉब पे जो हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए है एक मशीन से दूसरी मशीन तक सामान ले जाने के लिए, क्या हम क्लेम को एक मशीन से दूसरी मशीन तक सामान को ले जाने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी है कार्य की गति का निरोध करने के लिए यानी कि जॉब के मूवमेंट को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है मशीन पर खरोंच ना लगने या इसके द्वारा क्या मशीन पर खरोंच नहीं लगती, ऑप्शन डी है परिशुद्धता बनाए रखने के लिए, इससे परिशुद्धता बनी रहती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी कार्य की गति को निरोध करने के लिए यानी कार्य की गति को चलाने के लिए नहीं, इसका आंसर बी सही है, यानी कि जो जब हम क्लेम का प्रयोग करते हैं तो वो जॉब को घूमने नहीं देता है, इससे जॉब स्थिर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वी ब्लॉक यानी वी स्केल रॉकवेल कठोरता परीक्षण में लागू किया गया प्रमुख लोड है, इसमें लोड के बारे में मुझे पूछा गया है, ऑप्शन ए है 100 kgf, नेक्स्ट है
यानी ऑप्शन बी है 150 kgf, 120 kgf, ऑप्शन डी है 300 kgf। इसका आंसर है 100 kgf। रॉकफेल जो टेस्ट होता है वो दो स्केल पर होता है, एक होता है बी स्केल, एक होता है सी स्केल। सी स्केल के लिए जो लोड होता है वो 150 kgf होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिक्स या स्थिर स्नैप गेज में किसी एक सिरे पर गो और नो गो होते हैं। ऑप्शन बी, एक ही सिरे पर गो और नो गो सिरे होते हैं। ऑप्शन सी, गो और नो गो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन डी, दोनों सिरे पर गो और नो गो होते हैं। इसका आंसर है एक ही सिरे पर गो और नो गो होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है। यदि फिक्स स्नैप गेज के बारे में पूछा जाए तब, यदि वह प्रोग्रेसिव प्लग के एज के बारे में पूछा जाता है तब भी एक ही सिरे पर दोनों गो और नो गो सिरे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु काट आदि ढांचा खाली स्तर के साथ काटने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें पूछा है कि हेक्सा फ्रेम के साथ किस चीज़ के द्वारा हम धातु को काटते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है धातु काट आदि ब्लेड यानी हेक्सा ब्लेड, ऑप्शन बी है मटेरियल, ऑप्शन सी है रिटेनिंग पिन, ऑप्शन डी है विंग नट यानी डिब्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए हेक्सा ब्लेड यानी धातु काट आदि। हम हेक्सा फ्रेम के साथ हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करके ही धातु को काट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल्ड छीनी खालिस्तान द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन ए है ड्राइंग द्वारा, ऑप्शन बी है वेदन द्वारा, ऑप्शन सी है रोलिंग द्वारा, ऑप्शन डी है फ्रोजिंग द्वारा। जो हमारी कोल्ड छीनी होती है वह ऑप्शन डी फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है। दो तरह की छीनी होती है, हॉट चिजल होती है, एक कोल्ड चिजल होती है। इसमें हमसे कोल्ड चिजल के बारे में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबन पंच बिंदु खालिस्तान कोण का होता है यानी द प्रिक पंच का पॉइंट एंगल इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। यदि हमसे प्रिक पंच का पूछा है तो इसका ऑप्शन ए सही है 30 डिग्री। यदि वो डॉट पंच का पूछता है तो 60 डिग्री, यदि सेंटर पंच का पूछता तो उसमें 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्प्लाइन के रूप में होते हैं, स्प्लाइन किस तरह के होते हैं इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है सीधा और अंतर्वलित स्प्लाइन, ऑप्शन बी है सीधा और कोणीय स्प्लाइन, ऑप्शन सी है अंतर्वलित और कोणीय स्प्लाइन, ऑप्शन डी है अंतर्वलित और चौकोर स्प्लाइन। इसका आंसर है ऑप्शन ए सीधा और अंतर्वलित स्प्लाइन। स्प्लाइन जो होता है वह चित्र में आप देख सकते हैं, इसे ही इसमें स्प्लाइन कहते हैं। इसमें जो सीधे रूप में खांचे कटे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेती को उनके खालिस्तान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। रेती को क्लासिफाई किसके अकॉर्डिंग किया जाता है इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए है इसके प्रकार के अनुसार, ऑप्शन बी है यूज के अनुसार, ऑप्शन सी है मेक यानी निर्माण के अनुसार, ऑप्शन डी है लंबाई श्रेणी कट और आकार के अनुसार। इसका आंसर है ऑप्शन डी लंबाई श्रेणी कट और आकार के अनुसार रीति को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंटेड कार्बाइड जैसे पदार्थों पर उच्च गति वाले पृथक्करण का कार्य करने के लिए यह मशीन टूल उपयुक्त है। ऑप्शन ए डू ऑल मशीन, ऑप्शन बी है अत्यधिक शक्तिशाली आरी, ऑप्शन सी है कटिंग ऑफ मशीन यानी काटने की मशीन, ऑप्शन डी है मिलिंग मशीन स्प्लिटिंग आरी। इसका आंसर है ऑप्शन सी कटिंग ऑफ मशीन यानी सीमेंटेड कार्बाइड से किसी धातु को काटना है तो हम कटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लैथ मशीन एक कटिंग मशीन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिग एक ऐसा विशेष उपकरण है जो खालिस्तान है। ऑप्शन ए जॉब को करता है, ऑप्शन बी कटिंग टूल को ठीक स्थान प्रदान करता है यानी ठीक स्थान के पता का करता है, ऑप्शन सी है गाइड ऑफ टूल मार्ग दर्शन करता है टूल का क्या मार्गदर्शन करता है, ऑप्शन डी है कटिंग टूल को पकड़े रखता है सहारा देता है ठीक स्थान का पता लगाता है और साथ में उसका मार्गदर्शन भी करता है। इसका ऑप्शन डी सही है
जिग जो जिग एक ऐसा उपकरण है जो कटिंग टूल को पकड़ता है, सहारा देता है, स्थान का पता लगाता है और मार्गदर्शन भी करता है, यानी गाइड ऑफ कटिंग टूल भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइस में कोमल जबड़े या वाइस क्लैंप खाली स्थान को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाइस क्लैंप का इसमें प्रयोग पूछा गया है, यानी सॉफ्ट जॉ कोई भी जबड़ा, वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जॉ जो होंगे तब हम किस प्रकार के धातु को हम पकड़ सकते हैं, इसमें यह पूछा गया है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए कठोर कार्य, ऑप्शन बी है भारी कार्य, ऑप्शन सी है तैयार कार्य, ऑप्शन डी है कास्टिंग या ढली हुई वस्तु। इसका आंसर है फ्रिश वर्क यानी कि तैयार कार्य, ऑप्शन सी इसमें सही है। कोमल जबड़े और वाइस क्लैंप का प्रयोग तैयार जो को पकड़ने के लिए ही करते हैं ताकि इस पर निशान ना बने। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान जिस पर वर्कपीस तप्त होता है पदार्थ की और फोर्जिंग प्रक्रिया के प्रकार पर निर्भर रहता है। निम्न कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान प्रसार क्या होगी। इसमें हमसे लो कार्बन स्टील के लिए तापमान की रेंज पूछी है, टेम्परेचर की रेंज पूछी है। ऑप्शन ए है 800 से 1300 डिग्री, ऑप्शन बी है 650 से 920 डिग्री, ऑप्शन सी है 700 से 800 डिग्री, ऑप्शन डी है 450 से 700 डिग्री। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, 800 से 1300 डिग्री के बीच हम लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग करते हैं, यानी कि तापमान इतना इसके बीच रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंग मशीन के समन्वित प्रणाली में अक्ष होते हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, उपरोक्त सभी। मिलिंग मशीन की जो सिस्टम होता है इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पूछा है, इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 अक्ष, मिलिंग मशीन में 3 अक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चौकोरपन में कोई त्रुटि हो तो उसे परिशुद्धता के साथ जानने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करना है तो हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है ट्राई स्क्वायर स्लिप गेज, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर फ्लर गेज, ऑप्शन सी है सिलेंडर स्क्वायर और स्लिप गेज, ऑप्शन डी है ट्राई स्क्वायर प्रवीण किनारे यानी ट्राई स्क्वायर और बेवलेज के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्राई स्क्वायर और फिलर गेज और ट्राई स्क्वायर द्वारा किसी जॉब की स्क्वायरनेस को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फुलर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए है किसी वर्क पीस की नेकिंग डाउन, ऑप्शन बी है चपटी सतह के परिचरण, ऑप्शन सी है छेद करने के लिए, ऑप्शन डी है छेद के परिकर्षण के लिए। फुलर जो होता है इसका आंसर है ऑप्शन ए नेकिंग डाउन, किसी वर्क पीस की हमें नेकिंग डाउन करनी है तो हम फुलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंग मशीन में कटाई उपकरण खाली स्थान पर स्थापित होता है, मिलिंग जो मशीन है उसको जो कटर लगता है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है बाहरी दूरी यानी आर्बर, ऑप्शन बी है कॉलम यानी स्तंभ, ऑप्शन सी है स्पेंडल यानी धुरी, ऑप्शन डी है नी यानी कब्जा। इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्बर, मिलिंग मशीन जो कटिंग उपकरण लगाते हैं वो आर्बर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइस में धुरी का कार्य खाली स्थान है, वाइस जो होती है मशीन वाइस या कोई सी भी साधारण वाइस जो होती है इसमें स्पेंडल का क्या फंक्शन कार्य होता है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए कार को पकड़ना, ऑप्शन बी है गतिशील जबड़े को चलाना, ऑप्शन सी है हत्थे को पकड़ना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी गतिशील जबड़े को चलाना। अगर स्पेंडल का प्राथमिक कार्य पूछा जाए तो यही है कि गतिशील जबड़े को चलाते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, HSS से निर्मित उपकरण खाली स्थान पर तेजी से घिसेंगे, HSS टूल जो होता है हाई स्पीड स्टील टूल भी कहते हैं, ये कब अधिक घिसेंगे, इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है नॉर्मल स्पीड पर, क्या नॉर्मल स्पीड पर ही घिसने लगेंगे, ऑप्शन बी है धीमी गति पर, क्या स्लो स्पीड पर घिसने लगेंगे, ऑप्शन सी है मध्यम गति पर यानी कि मीडियम स्पीड पर भी ये घिसने लगेंगे, ऑप्शन डी है फास्ट स्पीड,
क्या यह तेज गति पर घिसेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फास्ट स्पीड। फास्ट स्पीड पर एचएस टूल जो है जल्दी घिसेंगे। 60वां प्रश्न है, रेती खालिस्तान के दौरान धातु काटती है। ऑप्शन ए है वापसी स्ट्रोक यानी रिटर्न स्ट्रोक में, ऑप्शन बी है आगे वाले स्ट्रोक में यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ऑप्शन सी है आगे और वापसी वाले स्ट्रोक में यानी कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है फॉरवर्ड स्ट्रोक यानी आगे वाले स्ट्रोक में। रेती आरी दोनों ही फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छिद्रण का पिछला दांता खालिस्तान द रियर टीथ ऑफ अ ब्रोच, ब्रोच का जो रियर टीथ होता है आखिरी जो पिछला दांता होता है वो क्या करता है? ऑप्शन ए है उद्भार्जन प्रचालन निष्पादित करता है यानी कि परफॉर्म बर्निशिंग ऑपरेशन, ऑप्शन बी है रिमूव मिनिमम मेटल यानी न्यूनतम धातु को काटता है, ऑप्शन सी है रिमूव द मैक्सिमम मेटल यानी अधिकतम धातु को काटता है, ऑप्शन डी है कोई धातु को नहीं काटता है यानी रिमूव नो मेटल। इसका आंसर है ऑप्शन सी अधिकतम धातु को हटाता है, यह अधिक से अधिक धातु को हटाता है, यही पिछले दांते का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतलक के निर्माण के लिए जल का घुलनशील तेल में अनुपात होता है। सोलेबल ऑयल हमने बनाया उसका रेशो उसमें वाटर का और घुलनशील तेल का रेशो उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है 20:1, ऑप्शन बी है 40:1, ऑप्शन सी है 10:1, ऑप्शन डी है 10:1। इसका आंसर है ऑप्शन ए 20:1। नेक्स्ट, जब भी हम कोई शीतलक का प्रयोग करते हैं या शीतलक बनाते हैं तो हमें इसी अनुपात में बनाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूड़ी पेंच की रोलिंग में प्रयोग किए जाने वाला ब्लैंक व्यास खालिस्तान होता है। ब्लैंक साइज के बारे में, यदि हम थ्रेड रोलिंग द्वारा हम थ्रेड डाल रहे हैं तो हमें ब्लैंक डायमीटर कितना रखना पड़ेगा, इसमें हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑप्शन बी है चूड़ी के व्यास के पिच व्यास के बराबर होगा, ऑप्शन सी है चूड़ी व्यास के लघु व्यास के बराबर होगा, ऑप्शन डी है चूड़ी के पिच व्यास से थोड़ा बड़ा होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन है चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा बड़ा होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा बड़ा होगा थ्रेड रोलिंग के पर्पस के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, काउंटर बोरिंग खालिस्तान की जाती है, काउंटर बोरिंग किस पर्पस के लिए की जाती है, इसमें यह पूछा गया है काउंटर बोरिंग का सिद्धांत इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है छिद्रों के सिरों को चिकना करने के लिए, ऑप्शन बी है छिद्रों के सटीक आकार तक विस्तार करने के लिए, ऑप्शन सी है कोर्ड छिद्रों की चमक लाने के लिए यानी कि चमक लाने के लिए, ऑप्शन डी है सॉकेट हेड को स्थान देने के लिए। इसका जो आंसर है वो है आंसर डी है सॉकेट हेड को मिलाने के लिए, काउंटर बोरिंग का यही सिद्धांत होता है, ऑप्शन डी सही है। काउंटर सिंकिंग के बारे में पूछते हैं तो बेवल सतह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं काउंटर सिंकिंग का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जब उपकरण का कटाई किनारा मंद हो जाता है तब मशीनिंग के दौरान चिप बनती है, चिप के बारे में इसमें पूछा गया है कि किस तरह की चिप बनती है। ऑप्शन ए असतत चिप निर्मित होती है, डिसकंटीन्यूअस चिप बनती है, ऑप्शन बी है निर्मित के किनारों के साथ साथ सतत चिप का निर्माण होता है, ऑप्शन सी है सतत चिप निर्मित होते हैं, ऑप्शन डी है कोई चिप निर्मित नहीं होती। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, निर्मित किनारों के साथ साथ चिप बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवेदनी में असमान लीप लंबाई खालिस्तान करती है। ऑप्शन ए है इसमें लीप एंगल यदि इनिक्वल होगा तो क्या ड्रिलिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें पूछा गया है।
ऑप्शन ए है छिद्र आकार प्रवेदनी से बड़ा होगा। क्या छिद्र प्रवेदनी के आकार से बड़ा होगा? ऑप्शन बी है प्रवेदनी तेजी से घिसेगी। ऑप्शन सी है मशीन की धुरी बेयरिंग और अन्य भागों को वितरित करेगी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सही है। यदि हमारा लीप ऑप्शन डी इसमें सही है, यदि हम लीप एंगल असमान लीप एंगल वाली ड्रिल का प्रयोग करेंगे तो ड्रिल जो किया गया ड्रिल है वो आकार बड़ा होगा, प्रवेदनी तेजी से घिसेगी और विकृत भी अन्य भाग को विकृत या धुरी को विकृत भी करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है पेपर लीड का द्वितीयक निकासी कोण खालिस्तान है। ऑप्शन ए है 10 से 12 डिग्री, ऑप्शन बी है 10 से 25 डिग्री, ऑप्शन सी है 6 से 12 डिग्री, ऑप्शन सी ऑप्शन डी है 3 से 10 डिग्री। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 से 12 डिग्री। यानी टेपर लीड के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग खालिस्तान मापने के लिए होता है। इसका ऑप्शन ए है यानी ट्यूब माइक्रोमीटर किस पर्पस किस चीज़ों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है ट्यूब और बैरल की मोटाई, ऑप्शन बी है फिन की मोटाई, ऑप्शन सी है पेच की चूड़ी के औसत व्यास यानी ये मीन डाया ऑफ थ्रेड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्यूब और बैरल की मोटाई। ट्यूब माइक्रोमीटर द्वारा हम ट्यूब और बैरल की मोटाई को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सीएनसी मशीन हाथ से संचालित नहीं होती है, इन्हें खालिस्तान के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है एक प्रोग्राम द्वारा, ऑप्शन बी है एक प्रचालक द्वारा यानी ऑपरेटर द्वारा, ऑप्शन सी है एक कैम द्वारा, ऑप्शन डी अ प्लग बोर्ड सिस्टम द्वारा। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए सही है अ प्रोग्राम द्वारा। इसमें सीएनसी मशीन जो होती है वो प्रोग्राम से चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक गियर पहिए में 36 दांत हैं और 3 mm मॉड्यूल है, इसका पिच व्यास खालिस्तान होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है यानी दांत टीथ गुणा मॉड्यूल बराबर पिच डाया, यानी पिच डाया निकालने के लिए पिच डाया बराबर दांतों नंबर ऑफ टीथ इंटू मॉड्यूल होता है, इससे हम पिच डाया को निकाल सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 108 mm। इसका ऑप्शन डी सही है, इसे हम फॉर्मूले द्वारा भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है थ्रेड पिसाई को खालिस्तान की कार्यगति आवश्यक है। जब हम थ्रेड की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तब हम किस प्रकार की ग्राइंडिंग स्पीड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है 5 से 10 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 1 से 3 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 14 से 20 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 10 से 14 मीटर प्रति मिनट। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 से 3 मीटर प्रति मिनट। यदि हम थ्रेड की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हमें स्पीड बहुत ही स्लो रखनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है एक बाह्य कोण को बदलने के लिए जिसमें 60 डिग्री का अंतर कोण है कंपाउंड स्लाइड को खालिस्तान पर स्थापित करना होगा। हमसे इसमें कंपाउंड स्लाइड के फंक्शन के बारे में पूछा है, यदि हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम कंपाउंड स्लाइड को कितने पे हम सेट करेंगे, इसमें यह पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 60 डिग्री पर सेट करेंगे, यदि हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है 60 डिग्री पर सेट करेंगे क्या। ऑप्शन बी है 30 डिग्री पर, क्या हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है 30 पर सेट कर सकते हैं क्या। ऑप्शन सी है 90 डिग्री पर, यदि हम 60 डिग्री का कोण बनाना तो क्या हम 90 पर सेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी है 45 डिग्री पर, यदि हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है और 90 डिग्री पर 45 डिग्री पर सेट कर सकते हैं क्या। इसका आंसर है ऑप्शन बी 30 डिग्री पर। कंपास लाइट को हम 30 डिग्री पर सेट करके 60 डिग्री का अंतर्गत कोण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हस्त रेती को यानी कि हैंड पाइल को क्या कहते हैं और भी क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मोटी काट रहती यानी रास्प कट फाइल कहते हैं, ऑप्शन बी है सेफ एच फाइल यानी सुरक्षा कोर रहती कहते हैं, ऑप्शन सी है रुक्ष रेती यानी रफ फाइल कहते हैं,
ऑप्शन डी स्मूथ फाइल कहते हैं या फिर ऑप्शन डी कहते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सेव एज फाइल। क्योंकि इसके एज पर किसी प्रकार के कोई दांते नहीं होते, इसे सेवेज फाइल भी कहते हैं, यही हेड फाइल भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी बोझ को गलत तरीके से उठाने के कारण क्या होता है? यदि हम गलत तरीके से किसी बोझ को या वजन को उठा लेते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसमें पूछा है। ऑप्शन ए है बोझ को नुकसान होगा, क्या वो जो जॉब हमने जो उठाया है वो खराब हो जाएगा क्या? या ऑप्शन बी शरीर की रीढ़ की हड्डी को चोट लगेगी। या ऑप्शन सी समय की हानि होगी गलत बोझ को भारी बोझ को उठाने से। ऑप्शन डी है मशीनरी को नुकसान होगा, ना तो ये मशीनरी को नुकसान पहुंचाएगा, ना समय को नुकसान पहुंचाएगा, ना ही मशीनरी को नुकसान पहुंचाएगा। इसका आंसर बी सही है, शरीर की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर या हड्डी पर चोट लग सकती है यदि हम गलत इनप्रॉपर तरीके से भारी बोझ को उठाएंगे तो। इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।